टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण में दो गुटों में झड़प के दौरान एसिड अटैक की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। छोटे बच्चों के खेलने के दौरान दोनों गुट आपस में मारपीट कर लिए। इसी दौरान एसिड अटैक में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि कल्याण के नेतेवली में रहने वाले आबिद अंसारी और पड़ोस में रहने वाली रिंकू मंडल के बीच में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और अचानक छोटे बच्चों को खेलने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि मारपीट दोनों गुटों में हो गई। गुरुवार को हुई इस मारपीट में एसिड फेंका गया जिसमें महजबीन अंसारी, तबस्सुम अंसारी, ललित विश्वकर्मा, टिंकू मंडल, रेनू मंडल सहित एक अन्य महिला जख्मी हो गई, जबकि महजबीन और ललित की हालत गंभीर बनी हुई है। मगर अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों पक्षों में से आखिर एसिड किसकी तरफ से फेंका गया है। इस घटना के संबंध में कुलसेवाड़ी पुलिस ने एनसी दर्ज कर ली है और तहकीकात की जा रही है कि एसिड किस तरफ से फेंका गया है। इस पूरे मामले में एसीपी अनिल पवार ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। आज सायंकाळी कोळसेवाडी पोलीसचे आजीबाजी नेतिवली येथे मेट्रो मंडळ सिनेमाच्या बाजूला एक दोन कुटुंबामध्ये वाद झाला होता। त्याच्यामध्ये जो वाद झाला होता त्याच्यामध्ये ॲसिडचा वापर केला गेलेला होता। आता समजून आणि त्यात 4 ते 5 लोक जखमी झालेले आहेत, किरकोळ जखमी आहेत। त्यांना रुक्मिणीबाई हॉस्पिटलमध्ये आणलेलं आहे। नेमकं काय कारण आहे, कशामुळे झालेलं आहे, त्याचा तपास आता आम्ही करतो।